गाइस सब ठीक ठाक। आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर। ये मैंने सारी सब्जियाँ काट के रखी हैं और ये दाल धो के रख ली है और ये टमाटर भी काट लिए हैं मैंने और सारी सब्जियों को कुकर में रख रही हूँ मैं। मैंने गाजर, गोभी, मटर, टमाटर और ये अरहर की दाल सारी इसमें कुकर में डाल दी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब मैं थोड़ी इसमें हल्दी डालूंगी आधी चम्मच और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। और ढक्कन लगा के तेज गैस पे 3 सीटियां लगानी। ये सूजी निकाल ली है मैंने, ये 1/2 किलो सूजी है और इसमें 1 कटोरी भर के दही है। दही थोड़ा मीठा ही होना चाहिए, मतलब खट्टा ना हो दही ज्यादा। ये मैंने कटोरी भर के दही डाल दिया इसमें और इसमें वही धो के कटोरी पानी डाला है। 2 कटोरी मैंने पानी डाला है इसमें और इसको अच्छे से चला लेना है ताकि सारी चीज मिक्स हो जाए, दही और सूजी। थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, मुझे फूलने के लिए रखना है इसलिए थोड़ा पानी कम लग रहा है और मैंने फूलने के लिए सूजी रख दिया। अब इसमें 3 सीटी आ गई हैं कुकर में। मैंने कुकर खोल लिया और सब्जी चला के देख ली है। थोड़ी मैश करनी है चमचे से सब्जी को। जितनी भी आपको पतली रखनी है पतली रख सकते हो, जितना पानी ऐड करना है। ये मैं गर्म पानी डाल दी हूँ। हमें इसे थोड़ी देर फिर से उबाल आने तक गैस पे चढ़ा रही हूँ। हमें थोड़ी सी इमली गर्म पानी में भिगो दी है मैंने। अब ये मैं थोड़ा सांभर मसाला डाल रही हूँ, लगभग छोटे 4 चम्मच सांभर मसाला। जितनी आपकी सांभर हो उसके अनुसार डाल सकते हैं। मेरी तो ज़्यादा सांभर है तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। खूब अच्छा सा उबाल आ गया है इसमें। अब इसमें इसका तड़का तैयार कर दूँगी। थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने इसमें। ऑयल गरम हो गया, मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी राई। थोड़ी सी हींग, इसमें कड़ी भी पत्ता डाल सकते हैं, मेरे को कड़ी पत्ता मिले नहीं थे इसलिए मैंने डाला है। अब इसे अच्छे से भून के जब राई चटकने लगे तो इसमें प्याज डाल दो कटी हुई। मैंने इसमें बड़ी प्याज ली है 2, आप जितनी भी डाल सकते हो आपका मन कर। और इसको थोड़ा लाल होने तक भून लेना है। अब इसमें ये मैं इमली का पल्प डाल रही हूँ सांभर में। अभी प्याज लाल हो गया, इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी है। ये लाल मिर्च अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब ये तड़का मैं सांभर में डाल दूंगी। ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से सांभर बनाई है। आपको सब लोगों को कैसी लगे ये मुझे कमेंट में जरूर लिखें। ये मैं
स्टीमर तैयार कर रही हूँ इडली बनाने के लिए। मेरे पास इडली मेकर है, लेकिन मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको इडली बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए ऐसे करके बना रही हूँ स्टीमर। मैंने कढ़ाई में पानी लेके चलनी रख के उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। ये मेरी इडली का बैटर है और ये थोड़ा सा अभी गाढ़ा हो रखा है और इसमें थोड़ा पानी डालूंगी मैं और इसको अच्छे से चला लेना है। थोड़ा सा नमक डालना है, बहुत हल्का सा, इसको चला के खूब अच्छा सा। थोड़ा कम लग रहा था, मैंने पानी और डाला है। थोड़ा मीडियम ही रखना है बैटर को, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला। इसमें मैं इनो डाल रही हूँ, दो इनो डाले हैं मैंने, आधा किलो सूजी। हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से चलाना है, सारे में मिक्स कर लेना है। अभी बैटर हमारा खूब अच्छा सा हो गया, देखो कितने झाग झाग खूब अच्छे से फूल गया है। अब इसमें मैंने कटोरियों में ऑयल लगा लिया है, इन कटोरियों में खूब अच्छे से ऑयल लगा लेना है। बैटर डाल, जितनी बड़ी इडली चाहिए उतना बैटर आप डाल सकते हैं, मैं तो थोड़ी पतली बना रही हूँ। मेरा स्टीमर देखिए देखो तैयार हो गया है, इसमें मेरी चार कटोरी आ जाएगी। चारों कटोरी सेट कर दी है, ऊपर से ढक्कन ढक दिया और गैस को तेज कर दिया। मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ चक्कू की सहायता से, देखो इडली तैयार हो गई है। मैंने चारों कटोरी बाहर निकाल दी। ये मैं इडली देखो कितनी अच्छी तैयार हुई है, मैंने सारी इडली निकाल ली है चक्कू की सहायता से, हल्के हाथ से, थोड़ा ठंडा होने पे ही निकाल दी। ये देखो कितनी स्पंजी बनी है। ये मैंने प्लेट लगा दी है भोग लगाने के लिए, भोग लग गया है मेरा, लो आप लोग भी खा लो और बताना कमेंट में कैसी बनी है मेरे इडली सांभर। मैं अपनी ननद के घर आई हुई हूँ, यहीं पर पास में रहती हूँ मेरे घर के, अपनी बहन को सब बच्चों को लेकर आई हूँ मिलने के लिए। सो गाइस, ये मेरी ननद है, सबको हाय कर रही है, और ये इनकी पोती और पोता है। ये देखो, ये मेरी भी पोती है,
और ये सब बच्चे पार्टी यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, सब लोग चाय पी रहे हैं। आज मेरी बहन जा रही है अपने घर। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। खूब सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।